मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड मुख्यालय में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी को बंदरा प्रखंड क्षेत्र के लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें बंदरा प्रखंड मुख्यालय समेत क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं की शिकायतें शामिल हैं। पूर्व प्रमुख दिनेश राय ने बंदरा अंचल में अस्थायी सीओ की प्रतिनियुक्ति करने की मांग की। उन्होंने कहा कि स्थायी पदाधिकारी नहीं रहने के वजह से दाखिल खारिज सहित कई मामले लंबित हैं। एम साहब से स्थायी अंचल अधिकारी के मांग की है कि यहाँ रहना चाहिए। एम साहब आश्वस्त किए हैं कि हम एक महीना के अंदर में अस्थायी अथी कर देंगे। परेशानी हो रही है यहाँ पर लोगों को, बहुत परेशानी हो रही है, तो दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। परेशानी से अवगत कराएं डीएम साहब को। जी जी जी। क्या परिचय हुआ आपका? दिनेश राय, पूर्व प्रमुख बंदरा। बंदरा अंचल शिक्षा विभाग, बाल विकास परियोजना, आपूर्ति विभाग प्रभार में है। अस्थायी पदाधिकारी के अभाव में कार्यों के निष्पादन में आम लोगों को परेशानी हो रही है। जयप्रकाश यादव ने जिला कृषि विभाग के अधिकारियों के लापरवाही एवं अनसुनी से जिला स्तर से प्रखंड के दुकानदारों को डीएपी एवं यूरिया खादों का आवंटन नहीं किए जाने से जरूरतमंद किसानों में किल्लत उत्पन्न रहने की शिकायत की। उन्होंने प्रखंड के दुकानदारों को अविलंब खाद आवंटन करने की मांग की। डीएपी का आवंटन जिले से ही कम दिया जा रहा जी। थोक विक्रेता जो है, खुदरा विक्रेता को वहाँ से डीएपी कम मात्रा में दे रहा था। डीएपी का यहाँ बहुत अभाव हो गया। ठीक है, अविलंब डीएपी की मात्रा यहाँ पर बढ़ाई जाए ताकि किसान को सहूलियत हो खाद बीज भाव का मैंने खेती करने में। जिलाधिकारी से बात हुई? जिलाधिकारी से बात हुई है। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि आवंटन हम बढ़वाएंगे। क्या परिचय हुआ आपका? जयप्रकाश राय, जिला जदयू महासचिव, मुजफ्फरपुर। उधर मनोज झा ने प्रखंड के केवटसा से बरगांव तक मुख्य सड़क में जगह जगह बनाए गए संयुक्त ब्रेकरों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से अवगत कराते हुए इस मामले में कार्रवाई का आग्रह किया। बेतरतीब ढंग से जो सखबरा से बरगांव तक के ब्रेकर बना हुआ है जी, उसके लिए हमने जिला पदाधिकारी महोदय से कहा। उन्होंने कहा एक दो टूटा है, नहीं नहीं सब है, कार टूट जाता है उसमें महिलाएं गिर जाती हैं, बड़ी भयंकर ब्रेकर सब बना हुआ है, इसके लिए हमने मांग रखा है। क्या आश्वासन मिला है? मिला है कि एकदम उस पर कार्रवाई होगी। आपका क्या परिचय हुआ? मनोज कुमार झा, जिला उपाध्यक्ष, जनता दल मुजफ्फरपुर। उधर मुन्नी बैंगनी पंचायत के ग्रामीणों ने पूर्व उप मुखिया राम कुमार राय के नेतृत्व में जिलाधिकारी को आवेदन देकर मानक शर्त के विपरीत अयोग्य एवं विवादित भूमि पर पंचायत सरकार भवन निर्माण के कार्रवाई किए जाने के मामले में जमीनी जाँच एवं कार्रवाई की मांग की। आज मुन्नी बैंगनी पंचायत का एक ग्राम विकास समिति का जमीन, अच्छा, जिस जमीन में सन 2012 में ग्रामीण लोग बुधन राय मुखिया को विरोध करके उसमें तालाब और कोई भवन बनाने नहीं दिए, जिसमें अभी दीपक कुमार मुखिया उस जमीन को चाह रहा है कि हम किसी तरह कुछ न कुछ बनवा के ख़त्म कर दे, जबकि रोकने में उस समय में वही दीपक। ठीक है, आज हम लोग मिल के चाह रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन भी है पटना से, सचिवालय से रजिस्ट्रेशन जमीन है, ग्राम विकास समिति का 1 एकड़ 67 जमीन है, जिसमें ग्रामीण द्वारा किसी को दे करके पैसा का खाता खुला करके रजिस्ट्रेशन करा करके पूरा ग्रामीण के द्वारा उसका खाता भी अलग है। ठीक है, सदस्य भी बनाया गया है। जिस जमीन को माननीय मुखिया मुन्नी बैंगड़ी का चाह रहे हैं कि किसी तरह हम उसको खत्म कर दें, बोला जा रहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं उस जमीन को। तो जिलाधिकारी को शिकायत किए हैं? जिलाधिकारी को शिकायत किए हैं, इससे पूर्व में भी हम लोग आवेदन दिए हैं। जो आवेदन दिए हैं उस मामले में जिलाधिकारी क्या आश्वासन दिए? उस जिलाधिकारी आश्वासन दिए हैं कि 15 दिन में हमने इसको निपटारा करेंगे। उधर मुन्नी बैंगड़ी पंचायत की वार्ड सदस्य रूपा कुमारी ने आवास योजना में अवैध वसूली के मामले में वीडियो के द्वारा कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की शिकायत जिलाधिकारी को आवेदन देकर की है। वहीं हाथा पंचायत के सुंदेश्वर राय ने दाखिल खारिज में गड़बड़ी के मामले में जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। क्या शिकायत किए हैं? शिकायत डीएम साहब की ये किया है कि दाखिल खारिज के संबंध में मान ली हमको नाम से जमीन हुआ ओके आदि दाखिल खारिज कर दिया, जिससे जमीन लिया उसी के कारण दाखिल खारिज कर दिया है। 6 महीना से दौड़ते हैं, पैसा मांगता है, ऐसे है वैसे है। कौन पैसा मांग रहा है? पैसा मांगता है वो जो विजय तिवारी था, वो मांगा और एगो प्रवीण है वो मांग रहा है। हम बोले थे कि अगर गलती से आवेदन भी हो गया होगा तो उसका कैंसिल कर दिया जाए। तो डीएम साहब क्या बताएं? डीएम साहब के बोले हैं कि ऐसे ऐसे बात है, इसलिए बदरा प्रखंड के ब्लॉक पर जो आए उसका सुधार किया जाए, ये बात है।
किसान आदमी कितना तिल जरा के यहाँ पर आएगा। आपका क्या परिचय हुआ? हमारा नाम सिंहेश्वर राय है, हत्था पंचायत घर है। इसके अलावा प्रखंड क्षेत्र के दर्जनों अन्य लोगों ने भी विभिन्न मामलों की शिकायत जिला अधिकारी को आवेदन देकर की। इन मामलों में जिला अधिकारी ने कार्रवाई से संबंधित आश्वासन दिया।